स्टूडेंट्स हमारे साथ चिंतन जानी है। चिंतन जानी नासिक से है और आपको बड़ा मजा आएगा इस इंटरव्यू में। इनकी जबरदस्त जर्नी रही है। फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका स्कोर है 681 और इन्होंने हमारा अचीवर बैच ज्वाइन किया था। भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, पर सबसे पहले चिंतन जी से समझते। चिंतन, आपको कोविड हुआ था 2020 में? यस सर। बैकलॉग हुआ मतलब तैयारी पटरी पे कैसे रही, मतलब ट्रेन पटरी से उतरी नहीं, हालत नहीं खराब हुई? हाँ सर, पूरी मतलब ऐसा लग रहा था एक बैकलॉग का पहाड़ है और मैं उस पहाड़ के नीचे आ गया हूँ, पूरा वो टाइप की फीलिंग। तो कैसे मतलब आपने पहाड़ को कैसे मतलब उठाया? आपको और भी चीजें हो गई उसके बाद कुछ? यूरिनरी ब्लैडर वगैरह में भी प्रॉब्लम हुआ, क्या क्या हुआ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर हनुमान जी के भक्त थे तो फिर संजीवनी पर्वत उठाया था उन्होंने, तो हमें बैकलॉग का पर्वत उठाना था, यही तो मतलब पहली चीज तो माइंड में थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोविड फर्स्ट वेव में कोविड हो गया मुझे, सो वहाँ पे मेरा 20 डेज का राउंड गैप पड़ा। उसके बाद सिस्टाइटिस का एक प्रॉब्लम आया तो वहाँ पे मेरे 15 दिन बिगड़े, एंड उसके बाद रूट कैनल का प्रॉब्लम आ गया, दोनों मतलब जो दोनों में रूट कैनल करवाना पड़ा। रूट कैनल थोड़ा एग्जाम के पास में है, बाकी चीजें एग्जाम के एग्जैक्ट 2 महीने पहले, और सीवियर केस मतलब करवाना ही पड़ रहा था, डिले करके चलेगा नहीं ऐसा, तो फिर वो करना पड़ा। सो उसमें क्या हुआ, अल्टीमेटली बैकलॉग तो बहुत बढ़ गया, मतलब लेक्चर्स भी छूट गए, चैप्टर्स लैग कर रहे, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मतलब कुछ क्लियर ही नहीं था। फिर मैंने खुद को बिठाया और बस यही बोला कि भाई अगर क्लियर करना है ना तो दो ही चीज अपने पास, मतलब बोलते ना दो शस्त्र है अपने, उसी से अपन ये फतेह कर लेंगे। सो इट वॉज लाइक पहला तो डिसिप्लिन होना चाहिए और सेकेंड थिंग कंसिस्टेंसी होना चाहिए। सो मैं यूजुअली ये बोलता हूँ कि दो स्टूडेंट्स है मेरे पास, ए और बी। सो ए वाला क्या करता है, पहले दिन उठता है, भाई अपने को तो आज नीट क्रैक करने का है, आज पढ़ेंगे 12 घंटे, और पढ़ भी लेता है वो 12 घंटे पढ़ भी लेता। फिर दूसरे दिन क्या बोलता है, वो खुद ही खुद को बोलता है कि अरे यार कल ही तो 12 घंटे पढ़ा, आज ये काम करता हूँ 6-7 घंटे पढ़ेंगे, तो भी वो खुद को पुश कर करके 8 तक जाता है। और तीसरे दिन क्या होता है, भाई साहब मेरा तो पूरे फ्रेंड ग्रुप में कोई इतना पढ़ा ही नहीं, मैं तो परसों 12 घंटे पढ़ा, कल 8 घंटे पढ़ा, आज थोड़ा आराम करता हूँ, खुद को थोड़ा ब्रेक दे देता हूँ। और भाई बी बी स्टूडेंट क्या करता है, उसको पता है कि भाई मेरी 8 आवर्स कैपेसिटी है, मैं तीनों दिन 8 आवर पढ़ूंगा। सो फाइनल रिजल्ट क्या आया कि बी वाला 24 घंटे पढ़ा और ए वाला सिर्फ 20 घंटे पढ़ा, सो बी आगे निकल गया। सो अल्टीमेटली हमें एक ही चीज याद रखनी कि बैकलॉग कब क्रिएट होता है, पहली चीज को बैकलॉग तब क्रिएट होता है जब आप आज की चीज आज नहीं करते। अगर आप आज का ही टास्क आज ही कंप्लीट कर लोगे तो बैकलॉग क्रिएट ही होने का कोई इशू नहीं। तो पहले तो मैं डायरेक्ट रूट में ही जाता हूँ। लोग क्या करते हैं ना, पत्तियों में पानी डालते हैं, पर पत्तियों में पानी डालने से झाड़ बढ़ने नहीं वाला, हमें रूट में जाके उसको पहले पानी डालना चाहिए। सो रूट तो यही है इस चीज का कि भाई तुम आज का टास्क आज नहीं करोगे तो तुम्हारा बैकलॉग क्रिएट होने ही वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए मैं सोल्यूशन क्या बोलूंगा कि मैंने ना एक डायरी मेंटेन की थी, तो उसमें क्या करना है, रात को सोने से पहले कल के सारे टास्क लिख देना कि भाई कल मैं मॉर्निंग के एग्जाम कर लूंगा, एनाटॉमी का ये पढ़ लूंगा, फिजिक्स में 100 MCQs कर लूंगा, XYZ सारा प्लान होना चाहिए। क्योंकि रात को जब आप सोने से पहले एक बार वो पढ़ लोगे ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और फिर सुबह उठ के आप शुरू हो सकते हो। बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठते कुछ सोचते अरे यार आज क्या करूँ, अरे यार आज ये करूँ या वो करूँ, उसका स्टार्ट करेंगे वो चीज कंप्लीट की, फिर वापस सोचने लगेंगे अरे अभी आगे क्या करूँ, और फिर कहीं से तो भी फिर रेस्ट ले लेंगे और फिर वहीं पे उनको लैग कर जाएगा। सो आपके पास एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आज मुझे पूरे दिन में ये करना चाहिए, पहली चीज तो वही बोलूंगा। और सेकंड थिंग, जब बैकलॉग होता है तो आप एक समझ लो कि टॉपर हो जिसने AIR 1 लाया है या फिर लास्ट रैंकर हो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों के बैकलॉग थे, टॉपर के भी बैकलॉग थे और उस जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसके भी बैकलॉग थे। चीज क्या थी कि टॉपर ने उन बैकलॉग को इफेक्टिवली डील किया और जो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो इफेक्टिवली डील नहीं कर पाया। सो कैसे इफेक्टिवली डील करे बैकलॉग को, तो अपने दिन को क्या करो ना, सेक्शन में बांट लो, ये आपका दिन है, एक लोफ ऑफ ब्रेड आप इमेजिन करो और जिस तरह हम ब्रेड के पीसेस करते वैसे उस दिन के पीसेस कर लो। सो एक पर्टिकुलर सेक्शन है ना जो आपके दिन का, से 3 आवर्स या 4 आवर्स, वो आप बैकलॉग को कंट्रीब्यूट कर लो और बाकी का टाइम करंट जो सिलेबस चल रहा है ना आपका उस पे। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, बैकलॉग के पीछे जाते तो उसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हो आपका करंट भी बैकलॉग बनता जा रहा है, मैं पीछे पे फोकस कर रहा हूँ और करंट मेरा बैकलॉग बन रहा है। सो करंट पे भी फोकस करना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो फ्रेश होता है ना, तो फ्रेश के फ्रेश आपके माइंड में चले जाएगा वरना प्रॉब्लम आएगा। फेयर इनफ। अब मैं दिखाना चाहता हूँ आपने कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ 26,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। कब ज्वाइन किया था आपने अचीवर कोर्स? फेब के अराउंड ज्वाइन किया था। बाप रे बाप, 6-7 महीने में 26,000 क्वेश्चन। अच्छा,
तो यहाँ पे क्वेश्चन काफी प्रैक्टिस किया, फिर टेस्ट वगैरह में आपका क्या स्कोर आता था वो भी देखते हैं। टेस्ट अटेम्प्ट्स, तो टेस्ट अटेम्प्ट्स में मुझे क्या स्कोर दिखाई दे रहा है, फुल टेस्ट 13, जो लास्ट टेस्ट हुआ था उसमें 649 आपका स्कोर था। तो यार एक चीज बताओ, आप भी उन लोगों में से थे क्या जो कहते थे सर फिजिक्स का मुश्किल क्यों दे रहे हो, फिजिक्स का मुश्किल क्यों दे रहे हो, और इतना मुश्किल थोड़ी आता है, या आप ऐसी हाँ, एक्चुअली चीजें? वो क्या होता है, हर बार टेस्ट होती थी ना, तो बायो तो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता था, केमिस्ट्री मतलब 80-20 होता था, तो वो भी हो जाता था, फिजिक्स बहुत टफ आता था। और मैं यार यार कपिल सर हर बार अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे, यार इतना टफ कौन डालता है, क्योंकि 2020 का पेपर ही हमने टेस्टिमोनियल लिया था। कोई भी आदमी क्या करता है, प्रीवियस ईयर पेपर देखता है और वही समझ लेते कि भाई यही नीट का ट्रेंड है। और उस साल कोविड वगैरह की सिचुएशन थी, तो मुझे लगा एनटीए थोड़ा तो भी मतलब फ्री हैंड देगा हमको पेपर में, और आप थे भाई टफ के टफ फिजिक्स डाल रहे, टफ के टफ फिजिक्स डाल रहे, और एकदम स्ट्रेस में था कि भाई क्यों ऐसा कपिल सर करे। बट फाइनल डे जब फिजिक्स का पेपर आया ना सर सामने, आई वाज लाइक अरे अपन तो क्या भी करते आ रहे, अपन तो ऐसे क्लियर करेंगे। और मैं जैसे एग्जाम हॉल के बाहर आया ना, मुझे कॉन्स्टेंट फोन आ रहे दोस्तों के, फिजिक्स कैसा गया यार, हम हमारे तो 10 क्वेश्चन छूट गए, हमारे तो 15 क्वेश्चन छूट गए, और भाई साहब कितना टफ था। आई वाज लाइक अरे अपन पूरा सर टफ ही देते आ रहे, तो एकदम मस्त निकल गया अपना। बस जबरदस्त है। तो कोविड हुआ, सिस्टाइसिस हुआ, रूट कैनाल हुआ, और आपने 8 महीने में 26,000 क्वेश्चन सॉल्व कर डाले, जो जो बैकलॉग था उसको फिक्स कर लिया, और आपका मंत्र है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। एक चीज बताइए, फिजिक्स से कंफर्ट डेवलप हो गया था एंड तक, या मतलब फिर भी लगता था कि पता नहीं ये भूत है काट सकता है? नहीं मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो टफ ही लगता था जब स्टार्ट किया था 11th में, बिकॉज मैं स्टेट बोर्ड से आता हूँ, हमें स्टेट बोर्ड में ऐसा कोई डिस्क्रीट सब्जेक्ट्स नहीं थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, हमें साइंस 1 था साइंस 2 था, तो साइंस 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री क्लब था, साइंस 2 में बायो था, तो ऐसे कोई आइडिया नहीं थी कि भाई फिजिक्स होता क्या है, मुझे तो वही नहीं पता था पहले तो। सो 11th से स्टार्ट हुआ कि भाई फिजिक्स होता है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए एक्स वाई जेड, और पहले पहले स्कोर्स भी बहुत ही कम आते थे मेरे फिजिक्स में, फिर धीरे धीरे इंप्रूव किया, तो एक चीज समझ गया मैं कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट। बायो में आप क्या करते हो, एक चीज पढ़ते हो, आपने वो रिटेन की, आपने एग्जाम में प्रोड्यूस कर ली, दैट्स ऑल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। केमिस्ट्री में 50-50 होता है, कहीं फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा आपको मतलब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लग गई, कि बाकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी लर्निंग पार्ट आते हैं, बट कोर फिजिक्स में तो आपको कंसेप्ट ही चाहिए। सो लास्ट लास्ट तक वो चीज तो समझ गई थी, तो मैंने एक ही सोल्यूशन रखा था कि ये चीज नहीं आ रही ना, तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आ रहा मेरे को, रेन मैन प्रॉब्लम में, रेन मैन के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें प्रॉब्लम थी, तो ये नहीं आ रहा ना, तो मैंने उसी से रिलेटेड 100 MCQ सॉल्व कर दी। मतलब क्या हो गया कि मुझे एक आइडिया लग गया कि भाई ये क्वेश्चन है तो इसका अप्रोच ऐसा है, मेन चीज आपको अगर अप्रोच समझ गई ना कि इस तरह से अप्रोच है, हाईवे का रास्ता किसी ने बताया, एक बार हाईवे पे पहुंच गए तो डेस्टिनेशन पे जाने वाले हो, यहाँ से हाईवे कैसे जाना है वो समझ गया ना, कि फिर आगे का काम इजी हो जाता है। सो एक ही चीज नहीं आ रहा ना, तो उसके MCQs कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, हेवी क्वेश्चन प्रैक्टिस। या तो एक चीज बताओ, चिंतन आपका नाम है चिंतन, पर लग रहा है कि चिंता विंता आपको होती नहीं है, तो ये घर वालों ने आपको दिया है, आप स्पेशल प्राणी आप ही बने हो? नहीं नहीं सर ऐसा नहीं, एक्चुअली मेरे घर में से मुझे कभी स्ट्रेस नहीं गया। एक्चुअली क्या हो गया ना सर सोसाइटी में, कि पेरेंट्स अपने एम्बिशंस बच्चों पे थोप देते पहली बात, या फिर दूसरी चीज बच्चे खुद इतने एम्बिशियस हो जाते हैं ना कि एक वो बोलते हैं सेल्फ विशियस सर्कल में चले जाते हैं, कि भाई मुझे ये करना है, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये हो गया वो हो गया। मुझे मेरे घर वालों ने कभी भी फोर्स नहीं किया कि तुझे डॉक्टर बनना है या तुझे ये करना है तुझे वो करना है, मेरा खुद का डिसीजन था, और मुझे पता था कि जो भी होगा मैं खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। और घर वाले तो ऐसे थे कि भाई चल यार कुछ नहीं हुआ तो हमने इतना तो कमा के रखा है कि तू भूखा तो नहीं सोएगा, एकदम आराम से तेरी लाइफ निकल जाएगी, सो इतना तो तू स्ट्रेस ले मत। सो वही चीज थी सर, और अल्टीमेटली स्ट्रेस लेके होने क्या वाला है, खुद की बॉडी को प्रॉब्लम होने वाला है, आगे तो कुछ होने नहीं वाला, ऊपर से हमारी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, इससे अच्छा बिंदास रहो ना। और मेरे पापा तो एक ही बोलते थे, नेचुरल बैटिंग बोले, सचिन जब क्रीज पे उतरता है ना तो जब वो स्ट्रेस नहीं लेता ना तभी उसका नेचुरल परफॉर्मेंस देख के सेंचुरी मारेगा, अगर उसको सब बोलेंगे सचिन तुझे खेलना है, सचिन तेरे बिना टीम का क्या होगा, एक्स वाई जेड, तो इतना स्ट्रेस में आ जाएगा ना कि शायद डक पे भी चले जाए। So, वही चीज थी कि भाई स्ट्रेस मत लो ना, और उससे होने भी कुछ नहीं वाला, ऐसा होगा कि मैंने 2 घंटे स्ट्रेस लिया तो मेरा नीट का स्कोर 5 मार्क बढ़ जाएगा, तो मैं रेडी हूँ सर स्ट्रेस लेने को, पूरा दिन स्ट्रेस में रहने को तैयार हूँ, बट उससे तो अल्टीमेटली स्कोर कम ही आने वाला है ना, तो फिर क्यों स्ट्रेस लेना। चिंता नहीं यार, भगवान आपका भला करे, आपको बिल्कुल सही मानसिकता सही सोच मिली है। नीट के एग्जाम के लिए ये सोच बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम स्ट्रेस ना लें, क्योंकि
ये चीज बताइए, यदि कोई बच्चा आपसे बात करना चाहता है, आपसे जानना चाहता है कि स्ट्रेस से कैसे निकले, चिंतन जी बताइए, तो मैं आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ उन बच्चों को? अभी तो आपके टाइम होगा, काउंसलिंग चालू नहीं हुई है। यस सर, यस सर, अभी तो फ्री हूँ। कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो आप सर? सेठ जीएस मुंबई। सेठ जीएस, वेरी गुड। आपको सेठ जीएस में इस बार पूरा नीट प्रेप का लंबा चौड़ा क्राउड जा रहा है, मतलब आपने वो जय वीरू का वीडियो देखा होगा। हाँ, देखा, वो आपको देखा, वहां देखा, पे मिलेंगे। रायत कालसेकर वहां पे आपको मिलेंगे, ये जो एक लड़का अथर्वा वायरगढ़े था वो मिलेंगे, तो अच्छे खासे। और जो 696 वाला नागपुर का बंदा है आर्यमान व्यवहार, तो पूरा गैंग है बॉस। सो KEM इज अ फैंटास्टिक कॉलेज, वेरी गुड। तो चिंतन, बहुत मजा आया आपसे बात करके। अभी मैं इंटरव्यू खत्म करके थोड़ी देर और आपसे बात करूंगा, क्योंकि गाइस ये एटीट्यूड है, मतलब आपको यदि एक भारी एग्जाम निकालना है तो आप दिल के ऊपर बोझ लिख के नहीं, मतलब यू हैव टू प्ले विदाउट स्ट्रेस, कंसिस्टेंसी रखना है, डिसिप्लिन रखना है, और बैकलॉग सबका होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, दिस इज व्हाट चिंतन इज सेइंग, पर आप डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी से करोगे फिक्स हो जाएगा, और उसके प्रेशर में दब गए तो फंस जाओगे। चिंतन, थैंक यू सो मच फॉर दिस फैंटास्टिक इंटरव्यू, बहुत मजा आया आपसे बात करके। यस सर, थैंक यू सर।